राम मनोहर लोहिया, जाना पहचाना नाम। समाजवाद का जब भी जिक्र होता है तो राम मनोहर लोहिया का नाम सबसे आगे आता है, और जब उनके नाम से अगर योजनाएं बने तो समझ में यह आता है कि उन योजनाओं में उतनी ही पवित्रता होती है जितना कि खुद राम मनोहर लोहिया के नाम लेने से मन में पवित्रता का भाव पैदा होता है। और जब इन योजनाओं में या इनके नामकरण के आधार पर जो योजना बने, उन योजनाओं में भ्रष्टाचार दिखे, उन योजनाओं में पक्षपात दिखे, उन योजनाओं में बंदरबांट दिखे, उन योजनाओं में गरीबों को सताया जाए, तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि रो रहे हैं लोहिया। और रुलाने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के अपने चिंतक, उन्हीं के अपने विचारक, या उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करने का दावा करने वाले समाजवादी लोग, क्योंकि सरकार उनकी है, सूबा इस वक्त उन्हीं के पास में है। और अगर कहीं कोई अन्याय, जुल्म, ज्यादती हो रही है तो हम बार बार यही कहेंगे कि रो रहे हैं लोहिया। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब से सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास कार्यों का अंबार लगा दिया। शहरों में कई योजनाएं चल रही हैं, साथ ही साथ गांवों के लिए खास तौर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई। बहुत अच्छी योजना, लेकिन कई जगहों से खबरें आती रही कि यहां पर बंदरवाट भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है। और इसकी तस्दीक करने के लिए कुछ गांव का हमने दौरा किया, देखा, और खास तौर से कुछ गांव के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, उनके रिप्रेजेंटेशन के तऊर पर उन्नाव के भोले मऊ बरवट गांव में हम पहुंचे, और यहां पर जो देखा उसके बाद हमने ये कहा कि वाकई रो रहे हैं लोहिया। यूपी में जब से सपा की सरकार बनी है, तब से सरकार ने विकास से विजय की ओर नारा दिया है। समाजवादी सरकार की हकीकत तब धराशायी हो गई जब उन्नाव की पुरवा विधानसभा के गांव भुलेमऊ बरबट की जनता ने समाजवादी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विधानसभा से पिछले 20 सालों से सपा के उदय राज यादव विधायक हैं, लेकिन ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव में प्रधान और सेक्रेटरी ने शौचालय खुद बनवाए और जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सुनवाई कुछ नहीं हुई और यही हुआ कि अधिवक्ता पुतनलाल पाल जी ने केवल बालू और घटिया किस्म के दरवाजे, एक इंच के मोटे छत दो पीसों में डलवाया और वही सीवर में दो पीसों में डलवाया और आज भी तक टूटी हुई है। गांव वालों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, जो लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर शांत करा दिया जाता है। वो पुतनलाल पाल भी दबाव बनाने लगे हमारे ऊपर कि आगे आगे जाओगे तो मुकदमा कायम करवाएंगे। आज वही हुआ, मेरे ऊपर मुकदमा 17/11 को कायम करवा दिया पुलिस वालों से या साठगांठ अधिकारियों के द्वारा करवाया गया कि इसके बाद तुम और आगे बढ़ोगे तो पूरे परिवार को तहस नहस करवा दूंगा। ग्राम प्रधान की तरफ से उन्हीं चुने हुए लोगों को लोहिया आवास दिया जाता है, जो ग्राम प्रधान को उसके बदले रुपये देते हैं। लोग पीने के पानी, वृद्धा पेंशन, राशन जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ लोगों ने तो छत और मकान मिल जाने की ललक में अपने जेवर और खेत तक बेच दिए। समस्या है, मैं 3 के नीचे रह रहा हूँ, तो जो मौजूदा प्रधान है, मंत्री है, उनसे कहा गया। क्या नाम है दोनों के? उनका उमेश कुमार मिश्रा। ये क्या है? ये है प्रधान। मंत्री कौन? मंत्री कृष्णलाल पाल। क्या हुआ आपके साथ? जो इनसे कहा गया कि हमें आवास दिया जाए, तो इनको हमने जो है जेवर बेच के रुपया दे दिया। फिर उसके बाद हमने कहा इनसे, तो कहने लगे अब नहीं हो पाएगा, तुम्हारा सूची में नाम नहीं, काम खत्म हो। जब गांव वालों को इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने थक हार कर ये फैसला किया कि वो इस बार चुनाव में मौजूदा विधायक को वोट नहीं देकर सबक सिखाएंगे।
दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के नेता भी गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की बात स्वीकार रहे हैं और मौजूदा विधायक पर ग्राम प्रधान को संरक्षण देने की बात भी सामने आ रही है। ना कोई अच्छा डिग्री कॉलेज है सरकारी, ना ही कोई ऐसा कहीं पे भी हमारे वहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है कि जो किसान आलू है अपना निकाले उसको रख सके, सब्जियां रख सके, कुछ भी कोई भी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। बिजली आती नहीं है और उस पर कहीं कोई शासन तक कोई बात पहुंचाई नहीं जाती है। अगर कोई पहुंचाने की बात करता है मीडिया का भी या दूसरी पार्टियों के नेताओं तक तो उसको दबा दिया जाता है। अंधेर गर्दी की भी हद होती है साहब। सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने को होड़ मची है, जिन पर बेहतरी की जिम्मेदारी है तो वही खुद लूटने में जुटे हैं। सत्ता से जुड़े नेता अफसर दोनों ही बेमान की भूमिका निभा रहे हैं और प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में बंदरबांट हो रहा है। उन्नाव से विक्रम राठौर, के न्यूज। तो फिलहाल ये कोई एक गांव का जिक्र हम कर रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि एक गांव को हमने एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रखा है। वो इसलिए कि तमाम गांव में ऐसे हालात हैं, हम एक गांव की वानगी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हैं कि एक गांव में ऐसा हो रहा है तो दूसरे गांव में ऐसा नहीं हो रहा होगा, इस बात की तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमने कई गांव का दौरा करने के बाद इस गांव की स्टोरी आपके सामने हमारे संवाददाता विक्रम राठौर ने रखी। हम निश्चित तौर पर अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे, लेकिन एक त्वरित प्रतिक्रिया के लिए हम जरूर अपने खास मेहमान अरशद आबिद, जो कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो तमाम दर्शक हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनके जहन में क्या कुछ आ रहा है। लोहिया ग्राम विकास योजना है कि वो भी गांव में रहते हैं, वो इस योजना को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो पंचायत अधिकारी होते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे भी जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरशद आबिद साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि दरअसल ये भ्रष्टाचार क्यों है। लोहिया ग्राम विकास योजना में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से शुरू की गई, उनका नाम इतना पवित्र, उनके भाव इतने पवित्र, वो इतने बड़े समाजसेवी समाजवादी, और इस नाम से शुरू गई योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों साहब? और ये हवा हवाई बातें नहीं, बाकायदा सर्वे करने के बाद ये बात हम आपसे कह रहे हैं। मनीष जी, जो समाजवादी होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं, और समाजवादी कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते ना बेईमानी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो प्रदेश की जनता से, वो सभी हमने पूरे किए, कोई वादा अधूरा नहीं है। जहां तक लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का सवाल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी, किसी कंट्री में इतनी अच्छी योजना नहीं है, इतनी अच्छी स्कीम नहीं है, सबसे अच्छी स्कीम है दुनिया की, वर्ल्ड की। क्योंकि उत्तर प्रदेश भी दुनिया में अगर आप देखें तो 197 कंट्रियों में से 8वां कंट्री हो जाता है, इतना बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये हमारी सबसे अच्छी योजना है, सबसे अच्छी स्कीम है, और समाजवादी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना जो है, इसके तहत बहुत पैसा प्रदेश सरकार देती है गांवों को उनके विकास के लिए, और गांव इसलिए देती है ताकि पूरी तरीके से, देखिए हमने आपको इतना वक्त दिया, बेईमानी भ्रष्टाचार का सवाल है तो ऐसा होता है, मैंने आपको इतना वक्त दिया, आपने हमें पूरी योजना समझाई, जबकि योजना तो हम पूरी पढ़ के बैठे हुए हैं, हमने उत्तर प्रदेश की जनता के आंकड़े बारे में पढ़े हुए, 22 करोड़ सब मालूम है। जो कुछ आपने बात बताई अरशद आबिद साहब, इसके एक एक शब्द मुझे मालूम है, और मुझे लगता है ये टाइम हमारा जाया हो गया, और अब हम बढ़ गए आगे। हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद हैं, पीड़ित हैं, आप उनको भी सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे साथ में खजान सिंह हैं, जो कि इसी गांव के हैं, और वो फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ में। खजान सिंह साहब, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है लोहिया ग्राम विकास योजना के अंतर्गत, आप बताएं। खजान सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? खजान सिंह जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए हम कोशिश करेंगे उनसे हमारी बात हो पाए, हम कोशिश इसलिए करेंगे ताकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, सारी बात अरशद आबिद साहब बता रहे हैं वही जो कि हमको भी मालूम है, लेकिन अरशद आबिद साहब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सवाल का जवाब दे रहा हूं जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो हम लोग ज्यादा बात कर पाएंगे और ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। खजान सिंह हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर मौजूद हैं,
खजान सिंह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। खजान सिंह जी, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है? जो पंचायत अधिकारी हैं वो क्या अन्याय कर रहे हैं? आपको आपका आवास क्यों नहीं मिल रहा है, आप हमें बताएं। समस्या ये है कि हमारा बार बार मकान पक्का लिख के भेज देते हैं, तो हमने उनको डीएम साहब को प्रार्थना पत्र लिख के दोबारा जांच करने की किया, तो यहाँ हमारे यहाँ मकान देखने कोई नहीं आया और वहीं से लगा के रिपोर्ट भेज दिया गया थी पक्का बना करके जी। हमारा पूरा घर पक्का बना हुआ है, हम 7 बीघा हमारे पास जमीन है और शुगर का मरीज हूँ, 5 जगह में 7 बीघा जमीन है, गरीब आदमी हूँ। हमारे साथ यही अन्याय हो रहा है कि बार बार पक्का मकान बना के भेज देते हैं और फिर से बार बार विधायक जी के पास जाता हूँ तो कहते हैं कि चलो फिर देखा जाएगा, कोई योजना में आ जाएगा तो देंगे। आज तक हम सफाई हैं, हम यादव हैं, एकदम सपा के साथ जुड़े रहे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसकी चलिए समझ गया। आपके आपकी पीड़ा हम समझ गए, आपकी आवाज को पहुंचना बहुत जरूरी था इसलिए हमने आपको फोन लगाया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। देखिए हालात क्या आ गए हैं अरशद आबिद साहब, आपने सुना ना, ये बात कहते कहते ये सोचने लगे कि हो सकता मुझे अभी मकान मिल जाए, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और मैं समाजवादी हूं और मैं सरकार के सपोर्ट में हूं। बावजूद इतना कहने के बावजूद आज तक इन्हें मकान नहीं मिल पाया। रिपोर्ट लग जाती है इनकी कि इनका मकान पक्का है जबकि कच्चे मकान में रह रहे हैं और वो भी गिरने की कंडीशन में है। ये एक की कहानी नहीं है अरशद आबिद साहब, ये बहुतों कहानी है, इसलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। भ्रष्टाचार है, ये अनाचार है, ये अत्याचार है, ये भ्रष्टाचार है, इसमें सीधे सीधे बात करिए, शिकायत करिए इन अधिकारियों को, इनको सजा दिलवाइए इन अधिकारियों को। जी जी मनीष जी, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। देखिए समाजवादी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में 59,000 ग्राम पंचायत हैं, तो हो सकता है कि 100-200 ग्राम पंचायतों में भाजपा बसपा समर्पित प्रधान जीतकर आ गए हों और वो सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से। अरे सर, ग्राम वालों से जनाब, फिर आपके अधिकारी की नहीं, गलत बात। अरशद आबिद साहब माफ करिएगा, आपके स्तर को मैं नहीं सुन सकता हूँ, माफ करिएगा, आपकी सरकार है, अधिकारी आपके हैं, पंचायत सचिव आपका है, आपकी निगरानी है, आप ये बीजेपी बीएसपी क्यों ले आए? अगला तो सुन लीजिए हम क्या कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी समर्थित बीएसपी समर्थित समझ नहीं आया साहब, इन्हें कोई परेशानी है तो इन्हें वहाँ के डीएम को, वहाँ के लिखा है, वहाँ के मैंने तभी कहा है, वीडियो को लिखकर देना चाहिए, मैंने तभी कहा कार्रवाई की जाएगी पूरी तरीके से। जनाब मैंने तभी कहा है अरशद आबिद साहब, इन्होंने पूरी प्रक्रिया की है, ये जिलाधिकारी के दरबार में गए हैं, ये जिलाधिकारी दरबार में गए, वही तो मैंने कहा ना भाई, अगर ये शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी सरकार में गरीबों की सुनी जाती है, उन्हीं की सरकार में कार्रवाई होती है। आप बने रहिए तो हमारे साथ में, इनकी कोई हम, नहीं हम, तो अभी अभी हम 3-4 लोगों से और बात करवाते हैं, संपर्क करें या अपने विधायक जो हमारे जिलाध्यक्ष है उनके थ्रू या संपर्क करें, कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से पूरी तरीके, जो भी दोषी प्रधान पाया जाएगा या ग्राम पंचायत आप है निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार किसी भी स्तर पे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के समर्थन में नहीं है, ना बर्दाश्त करेगी, जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरशद आबिद साहब, जितने अच्छे आप हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि सब उतने ही अच्छे हैं तो माफ करिएगा, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। ये इंसान एक ग्रामीण को फोन लगवाया, अभी मैं 2-3 ग्रामीणों से और बात करवाता हूं, आप अपनी बात को वापस लेंगे ये कहते हुए कि भाई यहाँ पर जिलाधिकारी को भी बोला गया, यहाँ पर विधायक को भी बोला गया, यहाँ आपके आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बोला गया, विधायक साहब ये फरमा रहे हैं कि आगे कोई योजना आएगी उसमें दिलवाएंगे, जिलाधिकारी साहब कह रहे हैं कि हाँ आगे हम देखेंगे, जबकि हो ये रहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय में जो उनकी एप्लीकेशन ये रखी जाती है, भाई हमें मकान दिलवा दीजिए, वहां पर इनके पक्के मकान को दिखा दिया जाता है, ये तो सिचुएशन आ रही है। और साथ ही साथ जो शौचालय बनाए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है। मामला कवर अप करने का ना हो, अरशद आबिद साहब आपको बुलाने का मकसद यह है कि ताकि आप अपनी आंखों से इन चीजों को देखें, समझें, सुने और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए कम से कम संबंधित अधिकारी, विभागीय मंत्री इनको देखें, लिखें, कहें, यह बड़ा जरूरी है। वीर बहादुर हमारे साथ एक ग्रामीण और जुड़े हुए हैं और आप इनको बहुत गौर से सुनिएगा, मैं एक एक पीड़ित इंसान को आपसे मिलवा रहा हूं, उनकी आवाज को सुनिएगा। वीर बहादुर जी, आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है आपको? अरे हमको तकलीफ ये है कि ये विधायक जी जो हमारे हैं उदयराज यादव जी,
जी, इनके पास तो हम लोग जो है बात करने के लिए गए थे कि हमारे गांव का अच्छा विकास हो जाए। हमारे गांव में लैट्रिन बन रही थी, उसमें जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। उसके बाद इन्होंने हमने कहा कि, तो उन्होंने कहा जैसा बनना वैसा बन जाने दो, नहीं ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद आवासों वाली बात आई, जो हमारे गांव के पात्र थे हम लोग भी उसमें पात्रों में हैं, क्योंकि एक भी थोड़ा भी जमीन नहीं है। हमारे गांव की जो है कम से कम 35 बीघे जमीन का जो है दूसरी ग्राम सभा में, मतलब बिछिया जो है बिछिया में हमारी ग्राम सभा की जमीन 35 बीघा दी गई है। उसके लिए हमने लोगों ने कहा तो, लेकिन विधायक जी का रजनू प्रधान मेरा आदमी है, जो करेगा वही सही है। इसके अलावा जो है मंत्री जी के पास गए तो वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी जो है विधायक जी से उनसे कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं 50,000 रुपया दो तो तुम लोगों को आवास मिलेगा, नहीं हमसे नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। हमने कहा ठीक है भाई जी, आपकी बात। उदय राज यादव विधायक हैं, आप परिचित होंगे, और रजनू प्रधान हमारा आदमी है, इसलिए जो हम कहेंगे वही करेगा। जाइए, आपकी कोई योजना और आएगी तो देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, आप सुनते जाइएगा आरिश, आप आबिद साहब सुनते जाइएगा। एक हमारे साथ में और मातेश है, हमारे साथ एक और पीड़ित। मातेश जी आप बताइए, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या दिक्कत है, जिलाधिकारी से बात की? हमारे साथ ये अन्याय हुआ है जी, हमारे साथ ये अन्याय हुआ। हमारा ग्राम सभा बोले ना, ग्राम बरवट के रहने वाले हैं, खंड विकास पूर्वा जी, जनपद उन्नाव जी। यहाँ लोहिया ग्राम में 91 शौचालय रहे थे जी, और कुछ नहीं बन पाए हैं 30-35, और कुछ अनलिस्टेड बने हैं जो प्रस्ताव में थे वो नहीं बनाए गए हैं जी। और जब इनमें वो छत की जगह पर दो पार्टों में छत डाली गई 1 इंच मोटी, और जो सीनियर के गड्ढे हैं उनमें 2 पार्टों में डाले गए हैं जी। तो ये हुआ, हम लोगों ने इसके खिलाफ डीएम और सीडीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन किया, और करने के बाद कुछ कार्यवाही जीरो हुई, और उसके बाद आवास के विषय में हम लोगों से 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं कि कहाँ। समझ गया, समझ गया। औलाद वो मकान जी, आपकी बात पहुँच गई है, आपकी बात पहुँच गई है, और मुझे लगता है ये बात अरशद आबिद तक भी पहुँच गई होगी। कुछ वक्त हम उन्हें और दे रहे हैं कि वो जवाब के लिए थोड़ा तैयार हो जाएं। हमारे साथ में रमेश अवस्थी जी हैं, बनारस से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं। रमेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, रमेश जी आप अपनी बात कहें। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। लोहिया के नाम पर जनप्रतिनिधि जो है उनके साइन बोर्ड वो प्लेटफॉर्म उपयोग करके सरकार से केवल पेंशन और लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि मधुलय ने भी सरकार से पेंशन लाभ नहीं दिया, लेकिन लोहिया के नाम पर सरकारी लोग पेंशन और सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये जनता का लाभ आए जिन सरकारी अस्पताल और पुलिस विभाग जिसे कल आप जहाँ दिखाया गया था उसमें मतलब उपद्रव कर रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली कर दिया, उसको भी गवर्नमेंट ने एक विधेयक बनाकर उसको रेगुलर कर दिया। ये है सर, ये मतलब लोहिया की सरकार चलाने वाले लोग हो गई है। अरशद आबिद साहब मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सुन भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और अब आप कुछ कहना जरूर चाह रहे होंगे। मनीष जी, पूरे देश में लाखों गांव हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 59,000 कुछ गांव, 60,000 के करीब गांव हैं, और कोई भी स्कीम जब होती है तो हर गांव में एक साथ उसको लागू तो किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारी लोहिया समग्र ग्राम योजना है, विकास योजना, तो ऐसा नहीं है कि हर गांव वाले को उसमें मकान दे दिया जाएगा। एक निश्चित एक सीमा होती है कि मान लीजिए एक गांव में 50 लोगों को या और 60 लोगों को या 70 लोगों को आवास दिया जा सकता है, और परिवार रहते हैं हजारों की तादाद में गांव में, तो सबको तो आवास दिए जा सकते हैं। जैसे इस साल जो है उत्तर प्रदेश में 50,000 लोगों को दिया गया, उसके 2,000 लोगों को। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इकलौता गांव नहीं है, ये इकलौता गांव नहीं है जहां इस तरीके के भ्रष्टाचार हो। दसियों और हम कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ऐसे गांव हैं। हमारे साथ में इस समय वीडियो जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार जी हैं। मनीष जी मैं आपसे कह तो रहा हूं, सीडीओ हमारे साथ में संजीव कुमार जी हैं जो कि मुख्य विकास अधिकारी है उन्नाव के, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। अगला अभी हमने 2012 संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद आबिद साहब हम आपको रोक रहे हैं। संजीव जी ये जो मामला सामने आ रहा है लोहिया ग्राम विकास योजना के अंतर्गत,
जिन गांवों में मकान मिलने हैं वहां पर कुछ धांधली है। गांव के लोग कह रहे हैं 50-60 हजार रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं, तब मकान उनके स्वीकृत किए जा रहे हैं। जिनके पक्के मकान नहीं है उनको पक्का दिखा के उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा, लोहिया आवास योजना के अंतर्गत बहुत पारदर्शी व्यवस्था चयन की गई है। इसमें कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, बीडीओ होते हैं और संबंधित तहसीलदार या एसडीएम होते हैं जी। स्त्री कमेटी वो भी ब्लॉक की, जनपद स्त्री और आपकी तहसील की, तो जो भी चयन के क्राइटेरिया है उनके आधार पर इनका चयन किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई आप तथ्य संज्ञान में आता है तो उसकी पुनः जांच कराई जाती है, इसीलिए स्त्री कमेटी की व्यवस्था की गई है जी। लेकिन संजीव जी, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं और मुझे सहमत होना भी चाहिए क्योंकि आप इसी काम के लिए वहां पर हैं भी। बड़ा सवाल यह है कि हमारे रिपोर्टर वहां पर गए, कई गांव का उन्होंने दौरा किया और हमारे पास साक्ष्य सबूत सारी चीजें इकट्ठा हैं, जिससे कम से कम आपकी जो पारदर्शी व्यवस्था है इसके ऊपर दाग और धब्बे लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लोगों के पक्के मकान देते, उनको पक्का मकान दिखा के उनको आवाज देने से अलग किया जा रहा है, मतलब उनको सूची से अलग कर दिया जा रहा है जी। तो इसमें जो जांच कमेटी जब मौके पर जाती है वो देखती है, बकायदा ग्राम सभा के लोग उपस्थित रहते हैं, उनके उनसे जानकारी की जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कई लोग ऐसा करते हैं कि अस्थायी आवास बना लेते हैं लोहिया आवास के लिए, तो कुछ इस तरह के अगर मामले होते हैं तो उनको कमेटी विजिट करती है, जिनके एक्चुअल में जो पात्र होते हैं उन्हीं को लाभ दिया जाता है। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, अब आपकी बातें हम लगातार मान रहे हैं, आपकी बातों से मैं नाइतफाकी बिल्कुल नहीं रख रहा हूं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि हम लोग तो वो हैं जो कि गांव में एक एक आदमी से मिलते हैं, बात करते हैं और उसके बाद में हम आपसे कोई बात कहने में समर्थ होते हैं। अभी के जो हालात हैं उन हालात में अगर हम कहें तो लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कम से कम दसियों नाम हमारे सामने हैं जो कि लगातार दौड़ रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय तक और निश्चित तौर पर आपके कार्यालय तक, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है और सूची में होते हुए उनके सूची से नाम निकाल दिया जाता है। संजीव कुमार जी, नहीं मैं बताना चाहूंगा, इस तरह की जो भी शिकायत आती है जी तो फिर हम इंडिपेंडेंट ऑफिसर सीट करके उनको कमेटी के साथ भेजते हैं और पुनः जांच कराते हैं। कई ग्रामों में इस तरह के मामले आए थे कि जिसमें शिकायत हुई थी तब आपत्तियों का चयन करा लिया गया, उनका एक बार नहीं दो बार मैंने जांच कराई है उसकी। और जो भी अगर इस तरह के मामले अभी छूट रहे हैं या जो इस तरह के मामले गलत चयन हो गया है या पात्र व्यक्ति छूट गया है, जो भी संज्ञान में आ रहा है उसकी पुनः मैं जांच करा रहा हूँ, ऐसा कुछ जी। तो फिलहाल ये जरूरी है इस बात का समझना कि जो भी अन्य आपके पास में सूचनाएं आ रही हैं, क्या वहां पे आप टीम भेजेंगे अपनी? क्या सामने समक्ष शिकायत आती है, जनता दर्शन का समय होता है या अन्य शिकायत ऑनलाइन, संजीव जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जी। संजीव जी, आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए और हमारे साथ रुके रहिए क्योंकि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं और वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आखिर कौन से ग्राम और कहां की ये चीजें हम बता रहे हैं। हमारे साथ में विक्रम राठौर मौजूद हैं। विक्रम, हमारे साथ में मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार जी मौजूद हैं, आप जरूर इन तक जानकारी ये पहुंचाएं कि आखिरकार किन किन गांवों की ये दुर्दशा है और कहां कहां पर भ्रष्टाचार आपको दिखा। विक्रम जी, बिल्कुल आपको बता दीजिए, ये अभी का जो मामला है जो अभी टीवी स्क्रीन पर रहा है, ये मामला उन्नाव के पूर्वा विधानसभा के गांव बरवज का है, जहां पर इस तरीके की भी अनियमितताएं सामने आई है, जहां पर जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाके चीजें पता करी, लोगों के दर्द को देखने की कोशिश करी, तो वहां पर पता चला कि गांव जो बरवज है वो लोहिया ग्राम आवंटित हो रखा हुआ है। वहां पर जो चीजें हैं, लोगों ने सीधे सीधे खुलकर सामने आके कहा कि जो आवास मिल रहे हैं उनमें वहां के जो प्रधान है और वहां के जो सचिव है, जो मंत्री है, वो पैसे मांगते हैं। लोगों को इस तरीके का आ गया है कि वो अपने घर की छत बनवाने के लिए 50-50 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपने जेवर, अपने खेत बेचने पड़ रहे हैं जी। संजीव जी, हाँ विक्रम, मैं बताना चाहूंगा, अगर इस तरह के, बल्कि हम लोग अन्य माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करते हैं, इवन जो लोहिया आवास का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है उसमें पीछे शर्तें भी लिखी गई है और एक शर्त ये भी लिखी गई है कि किसी भी बिचौलिए को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए सीधे आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, इसके लिए किसी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़े, न ही किसी को कोई धनराशि दे, इसका अतिरिक्त धनराशि किसी को कोई नहीं देने की जरूरत है। अगर इस तरह की कोई मांग की जाती है तो उसकी शिकायत करें, तो हमारे द्वारा जो स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं उसमें ये चीजें जागरूकता के लिए उनकी लिखी जा रही हैं। संजीव जी, अन्य माध्यमों से जी, संजीव जी इतना ही अगर
तो तकलीफ किस बात की थी? हर ऑफिस में लिखा होता है कि भ्रष्टाचार ना बढ़ाएं, हर ऑफिस में लिखा होता है कि रिश्वत ना दें, लेकिन फिर भी जब मेज के नीचे से रिश्वत तो जारी रही है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जब ये जितने आवाज स्वीकृत हुए उनका जो कैंप लगा के हम लोग वितरण कराते स्वीकृति पत्र, उसमें इवन कई ग्रामों में डीएम साहब भी गए, मैं भी गया, और उन लाभार्थियों को खुली ग्राम सभा में ये चीज बताई गई है। तो प्रचार प्रसार जो हमारे माध्यम से उनकी जानकारी प्रॉपर दी जा रही है, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बदमाशी कर रहा है या इस तरह की गलत काम कर रहा है, तो हमारी टीम पूरे के पूरे फिलहाल आपको मैं बता दूं, पूरे उन्नाव जनपद की अगर हम बात करें, सिर्फ उन्नाव जनपद की नहीं बल्कि कई अन्य जनपदों में भी के न्यूज की टीम लगातार इसी मुहिम पर लगी हुई है कि लोहिया समग्र विकास ग्राम विकास योजना में किस तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है, और इसलिए लगातार इस खबर पर हम आते भी रहेंगे। उम्मीद और गुजारिश इस बात की करते हैं आप कि कृपया करके निष्पक्षता से पारदर्शी व्यवस्था को बनाए रखें तो बेहतर है। और जैसा आप खुद कह रहे हैं संजीव जी कि लिखा तो है इसमें किसी बिचौलिए के माध्यम से ना जाएं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग कितने पढ़े हैं और कितना जानकारी रखते हैं ये तो आप भी खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका संजीव जी, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, क्योंकि मामला यहाँ पर नहीं होगा अगर इस तरह के जो भी मामले आएंगे कार्रवाई करेंगे जी। नाम यहाँ पर राम मनोहर लोहिया का खराब हो रहा है, आपका भी नहीं खराब हो रहा है और किसी ननकू का भी नहीं खराब हो रहा है, यहाँ पर नाम खराब हो रहा है राम मनोहर लोहिया का। इसलिए कृपा करके नाम की पवित्रता को, नाम के अनुसार जो भावना पैदा होती है उस सेंटिटी को बनाए रखें, ये हमारी जरूर आपसे गुजारिश है। तो आमतौर पर तमाम जगह भ्रष्टाचार की कहानी हम कहते रहते हैं, तमाम जगहों पर हम देखते रहते किस तरीके से नाइंसाफी हो रही लोगों के साथ में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस नाम के सहारे ये योजना चल रही है, जिस नाम के सहारे सियासत चल रही है, जिस नाम के सहारे आप सत्ता में आते हैं, जिस नाम के सहारे आप सत्ता में बने रहते हैं, उस नाम को ही आप गंदा कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि रो रहे हैं लोहिया। हमारे साथ में अरशद आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, मुझे लगता है कि अब आपको कम से कम कुछ बातों को स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि 22 करोड़ की आबादी है, हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो क्या हम भ्रष्टाचार करेंगे? आपने कहा कि एक गांव में ऐसा हो सकता है, दो गांव में ऐसा हो सकता है, हमारे पास 60,000 गांव हैं, तो इसके मतलब क्या 10,000 गांव में हम भ्रष्टाचार करेंगे? आपका कहने का मतलब नहीं, बीच बीच कुछ खबरें आती रहती हैं, तो क्या हम ये मान लें कि इसी एक गांव में भ्रष्टाचार है? दरअसल बात सीधी सी है, ना तो ये एक गांव में भ्रष्टाचार है और ना ये एक मामला है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग परेशान है, उस बात को आपको सिरे से स्वीकार करना चाहिए और कम से कम जो अधिकारी दंडित होने चाहिए उनको, उनके लिए कम से कम आपको बोलना चाहिए, जो आपके विधायक हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो क्लीन इमेज के सारथी हैं, अब आप कम से कम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भाषा में तो बात करिए, आप तो किसी और की भाषा में बात कर रहे हैं अरशद आबिद साहब। मनीष जी बात सुन लीजिए, मैं किसी की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं जी, समाजवादी पार्टी की और सरकार की भाषा में बात मैं कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और समाजवादी पार्टी में किसी भ्रष्टाचारी को किसी भी स्तर पर जो है संरक्षण नहीं दिया जा सकता, और समाजवादी पार्टी की सरकार किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी से पहले जब यादव जी बहुत रोकना चाहता हूं अपने आप को, अरशद आबिद साहब की बार बने, अरशद आबिद साहब मैं अपने आप को बहुत रोकना चाहता हूं, नहीं मैं बोल नहीं 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 अरशद आबिद साहब के आरोप में हमारे सरकार का एक भी मंत्री आज तक जेल नहीं गया, अरशद भाजपा बसपा के पता नहीं कितने मंत्री जेल चले गए। अरशद आबिद साहब सुन लीजिए, समाजवादी सिद्धांतवादी होते हैं तो अमन मणि त्रिपाठी को सीबीआई उठा ले गई, टिकट कैंसिल कर रहे हैं आप, उठा ले गई सीबीआई उन्हें, हाँ दुनिया जान रही क्या हो रहा है, लेकिन आप टिकट नहीं कैंसिल करेंगे उनका, समाजवादी सिद्धांतवादी होते हैं आप बड़े पाक साफ हैं, आपके यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं, आपके यहाँ बिल्कुल पाक साफ है, सब कुछ बहुत पारदर्शी है, आपने रामराज ला दिया, बहुत बढ़िया हो गया। कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री जेल गया हो? समाजवादी पार्टी की सरकार है, सैया भाई कोतवाल से जेल कौन जाएगा? अरे साहब, अरशद आबिद साहब कैसी बात करते हो आप, कैसी बात करते हो आप, जो आरोपी है और जेल जाने वाले हैं, कैसी बात करते हो, सैया भाई कोतवाल तो जेल कौन जाएगा भाई साहब, लोकायुक्त की फाइलें आपने रोक रखी है, नाम बता दीजिए मुझे आप,
लोकायुक्त क्या फाइलें आप क्या रुकी रही, लोकायुक्त का मामला आप क्या पेंडिंग रहा, आप उसको चैलेंज नहीं कर पा पाए। आप मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव मायावती के खिलाफ विवाद खोल रहे थे भ्रष्टाचार के लिए, आप उनकी जांच नहीं करवा पाए। पांच साल बाद आए, तमाम तमाम मंत्रियों के खिलाफ जांच लंबित पड़ी हुई है। पाया गया? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, कोई मंत्री हमारा आरोपी नहीं पाया गया। जनमत जो होता है ना वो सबसे बड़ा मत होता है। भाजपा कांग्रेस से पाया जाता है। मैं आपसे यहाँ लड़ने के लिए बैठा हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मानिए ना मानिए आपका फैसला। और हमारी सरकार में भ्रष्टाचार, मेरी मंशा कोई आपको बेइज्जत करने की नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी बात कह पाऊँ, आप समझे ना समझे आपकी मर्जी। बड़ी योजना है दुनिया की, पब्लिक समझती है। और इस योजना के तहत एक गांव को बहुत मतलब एक बड़ी चलिए राशि दी जाती है गांव के विकास के लिए। तो अगर कहीं शिकायत आई है लोहिया ग्राम विकास योजना को लेकर तो सारे तथ्यों की जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे वो ग्राम प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या बीडीओ हो चाहे सीडीओ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात कार्रवाई की जाएगी हम निश्चित रही है। एक लाइन को कहने में आपने आधा घंटा लगा दिया जनाब, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार के लिए। एक लाइन को कहने में आपने आधा घंटा लगा दिया कि जो दोषी है उनको दंडित किया जाएगा। एक लाइन को कहने में आधा घंटा, पांच सेकंड के वाक्य के लिए आपने 35 मिनट खराब हो गए हमारे। बताइए कितना लंबी बहस हो गई है कि समाजवादी समझौते नहीं ऐसे हैं समाजवादी सिद्धांतवादी कि पांच सेकंड की बात के लिए। चलिए विक्रम 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 हमें हमें आप बताइए कुछ ऐसी बातें बताइए जैसे अरशद आबिद साहब ये समझ पाए कि दरअसल उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है, वो माने या ना माने, लेकिन आप अपनी बात बताइए जी। आपको बताऊं ये जो जो स्क्रीन पे पूरे विजुअल दिखाए गए, जो पूरी आदमियों की जो बातें दिखाई गई हैं, सही इसमें अगर जब हमने ग्राउंड जीरो पे गए, लोगों से हमने सामने सामने बात करी तो लोगों का दर्द पूरी तरीके से बयां हुआ। लोगों ने अपना पूरा दर्द बताया कि किस तरीके से उनके साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। विकास के नाम पे लोहिया ग्राम बना दिया गया है, लोगों को बता दिया गया है कि आपका गांव लोहिया ग्राम हो गया है, मगर जहां लोहिया ग्राम बता दिया गया मगर जेबें जो भरी जा रही है वो पूंजीपतियों की भरी जा रही है, जो ठेकेदार है उनकी जेबें भरी जा रही है, जेबें प्रधान की भरी जा रही है, जेबें सचिव की भरी जा रही है, जेबें मंत्री की भरी जा रही है, मगर जो आम जनता है जो जिसके लिए गांव लोहिया ग्राम बनाया गया है उन्हें हर तरीके से लूटा जा रहा है। चाहे बात करें हम आवास की, चाहे बात कर ले शौचालय की, चाहे हम बात कर ले रोडों की, चाहे हम नल की मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहां पर। कहने के लिए लोगों को सिर्फ कह दिया गया है कि आपका गांव लोहिया ग्राम है और उनको एक सपना दिखा दिया गया है जो उनको कहीं भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। हमने लोगों से जब बात करी तो उन्होंने साफ साफ अक्षरों में ये चीजें कही हैं कि 50,000 रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं, हम गरीब आदमी अपने जेवर बेच बेच के पैसे दे रहे हैं, मगर जिनके पास जेवर नहीं है वो क्या करे जी। तो पूरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कहिए या एक भ्रष्ट सिस्टम कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको, आम जनता त्राहिमाम कर रही है जी। क्या आपको कुछ ऐसे मामले आपके संज्ञान में आए कि कुपात्रों को यानी कि जो उसके पात्र नहीं थे उनको रेवड़ियां बांटी जा रही हो, उनको मिली भगत से उनको फायदा पहुंचाया जा रहा हो, क्या कुछ मामले ऐसे सामने आए? बिल्कुल बड़ी बात ये रही सर जी कि जब आदमी वहां पर हमारी टीम जब वहां पर पहुंची जी, जिनको इस तरीके की पात्रता जो नहीं थी वो वहां से गायब हो गए, वहां पर रुके ही नहीं, हम लोग टीम को देखते ही वो वहां से हट लिए। जो जो लोग पात्रता सूची में थे उनके घर कच्चे बने हुए हैं, छत है नहीं, पल्लियां डालकर छत रह रहे हैं, यहां पर लोगों के कागज पर लिख के दे दिया गया है कि आपके घर पक्के बने हुए हैं जी। आदमियों को यही नहीं समझ में आ रहा है, जो वहां पर गांव की जनता है उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में है क्या चीज उनके साथ, कि क्या घर है नहीं है, घर सामने घर नहीं दिख रहा है, कागजों पर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या इस तरीके की बनाई है कि धरातल पर कुछ और है और कागज पर कुछ और, तो पूरा सिस्टम ही इस तरीके से एक घुमा दिया गया है कि आदमी अगर समझना भी चाहे तो बड़ी पेचीदे रास्ते हैं। नहीं, आदमी क्यों समझना चाहेगा, मुझे लगता है कि आदमी को समझने की जरूरत भी नहीं है, जिनको समझना है वो खूब समझ रहे हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी है। कागजों पर तो पूरा का पूरा महल खड़ा कर दिया गया, मकान बांट दिए गए और यही कागज ही मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। जब मुख्य सचिव मीटिंग लेते हैं तो डीएम साहब फरमाते हैं कि हमारे यहाँ इतनी योजना का काम पूरा हो गया है और वो कागज ही पढ़ते हैं, वो किसी ननकू का दर्द नहीं लेने जाते हैं, वो किसी रज्जाक के दर्द को लेने नहीं जाते हैं। तो निश्चित तौर पर डीएम साहब एसी वाले कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वो कागज ही पढ़ते हैं और मुख्य सचिव उस पर मुहर लगा देते हैं। तो आम आदमी क्यों जाएगा उन कागजों को पढ़ने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए? उससे मकान चाहिए बस, उसको इससे मतलब है और उसको किसी चीज से मतलब नहीं, लेकिन यही चीज उसको मिल नहीं रही है। अरशद आबिद साहब जो बातें हमारे संवाददाता कह रहे हैं, कम से कम अब तो मान जाइए।
गड़बड़ियां हैं और हम आपको फिर कई और गांवों का जिक्र करेंगे, कई और गांवों का, इसलिए क्योंकि हम लगातार इस कार्यक्रम पर बने रहेंगे और लगातार ये मुहिम हमारी चलेगी। लोहिया ग्राम विकास योजना में भ्रष्टाचार पनप रहा है, आज नहीं मान रहे कल हम दो गांवों की और बात बता देंगे तब आप मान लेंगे, भ्रष्टाचार पनप रहा है मैं ये कह रहा हूं। मनीष जी मैंने फिर कह रहा, मैं पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं, सरकार के सभी मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, मतलब चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना छोटा कर्मचारी हो या पार्टी का पदाधिकारी हो, अगर उसकी भी कहीं